ये पूरा ही फाइबर में है यहाँ पे, ये पूरा फाइबर में कंपनी ने दिया है। एक यामाहा का लोगो है यहाँ पर, और वहीं अगर हम उसका बात करते हैं तो मेटल टैंक है पूरा, ये जितना भी पार्ट्स है ये सब मेटल है पूरा, तो ये मेटल पार्ट्स का यहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का जो सीट हाइट है वो आपको मिलता है FZS में, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप MT के कंपैरिजन में देखते हैं तो उससे फ्रेंड्स ये थोड़ा ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा है, इसका सीट का कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब एक बार FZS पे बैठ के दिखा देते हैं, मैं बाइक को आगे करके दिखा दे रहा हूँ। ये फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, इसका जो सीट का जो कुशनिंग प्रोवाइड किया गया ये काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कुशनिंग काफ़ी अच्छा आपको मिलता है और बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग राइड्स वगैरह के लिए अगर आप बाइक लेने का सोच रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा अगर आपका ट्रैवलिंग रहता है, डेली का किलोमीटर्स ज़्यादा रहता है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। पूरा मस्कुलर टैंक वगैरह दिया गया है इसमें, आप देख सकते हैं आगे पीछे करना इसे काफ़ी आसान भी है। और फ्रेंड्स ये थोड़ा सा एक जो है ना, ये आपको मतलब एक अगर आपने कभी बजाज की एवेंजर राइड की होगी तो थोड़ा उस टाइप का ये आपको फील देता है। टैंक ब्रॉड है और सीट का कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, बैठने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगता है। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको सीट हाइट का जो है वो आइडिया लग गया होगा, बाकी आप वीडियो में पूरा देखें, कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों बाइक्स प्रेजेंट है, एक साइड में है यामाहा FZX और इस साइड में है यामाहा FZS। तो ये जो फ्रेंड्स है ये वर्जन 3 मॉडल है, जो कि अभी तुरंत ही कंपनी ने लॉन्च किया है 2021 वेरिएंट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। और उस साइड में फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यामाहा FZX जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आया है। तो ये बिल्कुल न्यू ऑफरिंग है यामाहा का, और ये फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से सेल हो रहा है इंडियन मार्केट में, तो इन दोनों का आज हम कंपेरिजन डिटेल्स में करने वाले हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं दोनों के प्राइसिंग के बारे में, तो ये फ्रेंड्स आपको लगभग में 1,41,000 रुपीज़ से लेकर 1,43,000-1,44,000 रुपीज़ तक जाएगा ऑन रोड, और ये फ्रेंड्स लगभग में 1,31,000 रुपीज़ से लेकर 1,34,000 रुपीज़ के बीच में आपको मिलेगा। तो प्राइसिंग में यहाँ पे 10,000 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ पे वो 10,000 रुपये ज़्यादा कॉस्टली है इसके कंपैरिजन में। तो कंपनी ने उसमें काफ़ी कुछ न्यू फीचर्स इस बार ऑफर किया है, वो आपको हम बताने वाले हैं इसके कंपैरिजन में। तो अगर आप दोनों में से किसी भी बाइक को परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप कंपैरिजन वीडियो देख ले, आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट लाइट का, तो लाइट्स फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको मिल रहा है, जिसमें LED में लाइट्स कंपनी ऑफर करती है, और एक छोटा सा यहाँ पे हेलोजन में लाइट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो आपको बल्ब में मिलता है, जो कि सेम इंडिकेटर्स है जो कि कंपनी MT15 R15 वगैरह में भी ऑफर करती है, तो सेम इंडिकेटर सेम लाइट सेटअप मिलता है इसमें। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन का लाइट्स कंपनी ने यूज़ किया है इसमें फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे LED में रिंग मिल जाता है और प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाता है MT15 के जैसा, इंडिकेटर सेम है। बात करते हैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक्स प्रोटेक्टर मिल जाता है, जो कि स्क्रैचेस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, और इसमें आपको प्रोटेक्टर्स नहीं मिलता है। ये फाइबर पार्ट्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर, और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर मेटल पार्ट्स का यूज़ किया है कंपनी ने, और इसे लगाने का स्टाइलिंग भी काफ़ी अच्छा है, ऑफ रोडिंग फील देने के लिए इस टाइप से लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं साइड लुक का, तो साइड से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको ऑफ रोडिंग वाले टायर्स मिल जाते हैं, ब्लॉक पैटर्न टायर्स, जो कि फ्रेंड्स सेम MRF के टायर्स हैं, और इसमें फ्रेंड्स आपको नॉर्मल सिटी राइडिंग वाले टायर्स मिलते हैं, ये भी MRF की तरफ से ही हैं। बात करते हैं डिस्क का, तो डिस्क सेम है दोनों में ही, डिस्क का साइज़ भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ABS की बैजिंग मिल जाती है, 282mm का डिस्प्ले का आपको मिलता है फ्रंट में, सिंगल चैनल ABS के साथ दोनों ही बाइक्स आती है। तो फ्रेंड्स दोनों बाइक कुछ इस टाइप की लगती है देखने में, आप देखकर बताएं कि आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा है। काफ़ी लोगों को वो बाइक पसंद आ रहा है, काफ़ी लोगों को ये भी पसंद है, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर जो फ्रेंड्स इसका इंजन का जो यहाँ प्रोटेक्टर है ये फाइबर का है, और उसमें मेटल का प्रोटेक्टर कंपनी ने दिया है यहाँ पर, तो एक ये डिफरेंस आपको मिल जाता है। बात करते हैं अगर हम साइड लुक की, तो साइड से भी आप देख रहे हैं यहाँ FZS का लोगो 3D में मिलता है, वर्जन 3 का बैजिंग मिलता है, वहाँ पे स्टिकर में आपको FZX मिलता है, 01 की बैजिंग है, और वहाँ पे फेक फ्रेंड्स आपको एक इंजन आप बोल सकते हैं यहाँ पे रेडिएटर टाइप का लुक दिया गया है। ये भी एयर कूल्ड इंजन है, सेम इंजन है जो कि आपको इसमें मिलता है, तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम 5-स्पीड गियर बॉक्स के सेटअप के साथ आता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एग्जॉस्ट का, तो एग्जॉस्ट आप देख पा रहे होंगे इसका कुछ इस टाइप का मिलता है, राइट हैंड साइड से भी आप देख रहे हैं बाइक को। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी लोगो नहीं दिया गया, वहाँ पे आपको यामाहा का लोगो मिल जाता है, और उसका एग्जॉस्ट का डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग है इसके कंपेरिजन में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो टैंक है ये पूरा ही फाइबर में है यहाँ पर, ये पूरा फाइबर में कंपनी ने दिया है। एक यामाहा का लोगो है यहाँ पर, और वहीं अगर हम उसका बात करते हैं तो मेटल टैंक है पूरा,
ये जितना भी पार्ट्स है ये सब मेटल है पूरा, तो ये मेटल पार्ट्स का यहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया है। मीटर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का फ्रेंड्स मीटर मिलता है, काफ़ी बिग साइज़ का मीटर यहाँ पे कंपनी ने दिया है इसमें, जो कि काफ़ी फीचर्स है यहाँ पे इसमें। कनेक्टिविटी फ़ीचर्स वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे। एक आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि कार वगैरह में देती है इस कंपनी, वो आपको इसमें मिल रहा है 12 वोल्ट का। यहाँ पे फ्रेंड्स फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। बस गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर कंपनी ने छोड़ दिया है, RPM इंडिकेटर है या न्यूट्रल का लाइट है। एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से ऑन होता है बाइक। तो एक बार मैं स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ इसका। तो काफ़ी फ्रेंड्स स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट मिलता है आपको इस बाइक का। यहाँ पे इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच, इस साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम। यहाँ DRLs का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, पास लाइट मिल जाता है, इंडिकेटर्स, और हॉर्न में सुना देता हूँ। तो काफ़ी लाउड हॉर्न भी आपको मिल जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं हैंडल्स की, तो नॉर्मल में हैंडल्स मिलता है, की प्लेसमेंट यहाँ पर है, और टैंक काफ़ी मस्कुलर लगता है इसका देखने में, जैसे कि अभी आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ बीच में एक फाइबर पार्ट का यूज़ किया गया है इसमें। यहाँ पे बोल्ट्स जो है ये काफ़ी एक ऑफ रोडिंग फील देता है, और फ्यूल लिड थोड़ा सा साइड में प्लेस किया गया है। तो लुक्स के मामले में ऊपर से ये कुछ इस टाइप का लगता है देखने में। अगर हम बात करते हैं इसका, तो इसमें काफ़ी छोटा सा आपको डिस्प्ले मिलता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और इसमें भी आपको सभी सेम फीचर्स मिलता है जो कि उसमें मिलता है। बस इसमें फ्रेंड्स आपका जो कनेक्टिविटी वगैरह है वो यहाँ पे शो नहीं करेगा मीटर में। ABS का यहाँ मिल जाता है आपको, यहाँ पे इंडिकेटर्स का मिल जाता है, न्यूट्रल लाइट मिल जाता है, और हैंडल आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से प्लेस किया गया है। इधर हाई बीम लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर्स का आपको ऑप्शन या हॉर्न मिल जाता है। तो काफ़ी इसमें फ्रेंड्स नॉर्मल सा हॉर्न यूज़ किया गया है उसके कंपेरिजन में। ये यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो मिल जाता है। इस साइड में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टैंक जो है इसका काफ़ी मस्कुलर लग रहा है देखने में। इसमें 15 लीटर्स का टैंक कंपनी प्रोवाइड करती है, इसमें 10 लीटर्स का आपको टैंक मिलता है। देखने में ये ज़्यादा मस्कुलर है बट टैंक इसका छोटा है, इसका टैंक का कैपेसिटी ज़्यादा बड़ा है। ये फ्रेंड्स थोड़ा स्पोर्टी नेचर का है जैसे कि अभी आप देख भी पा रहे होंगे ये वाला जो बाइक है, और वो काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट का लेंथ दोनों में आपको लगभग में सेम ही मिलता है, और इसका जो ग्रैब हैंडल्स है ये कुछ इस टाइप का मिलता है। इसका जो ग्रैब हैंडल्स है वो फ्रेंड्स आपको इस टाइप का मिलता है, आयरन का दिया गया है। LED में टेल लाइट्स मिल जाता है पीछे से, इसमें बल्ब में टेल लाइट दिया गया है, यहाँ रिफ्लेक्टर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, और यहाँ बल्ब में इंडिकेटर्स मिलता है। तो साइड लुक फ्रेंड्स दोनों बाइक का कुछ इस टाइप का आता है। अगर हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग के हिसाब से, तो दोनों ही बाइक्स वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। यहाँ पे रेयर का जो टायर है 140 सेक्शन का मिलता है, 140/60 R17 का रेडियल टायर, और उसमें भी सेम टायर्स आपको बस कंपनी प्रोवाइड करती है, बस उसमें ब्लॉक पैटर्न ऑफ रोडिंग टायर से साइज सेम है दोनों में। रेयर का जो डिस्क ब्रेक है वो भी आपको सेम मिल जाता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो लुक्स के मामले में दोनों ही जो बाइक्स है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह जो है वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई करता है। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है फ्रेंड्स कि आपको कौन सी बाइक जो है वो ज़्यादा पसंद है। अगर आपको एक स्पोर्टी नेचर की बाइक लेनी है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आपको प्लेन कम्फर्ट भी उतना चाहिए और आप लॉन्ग राइड्स में जाना चाहते हैं तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो सीट का कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। MT15 वगैरह के कंपेरिज़न में फ्रेंड्स ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो एट लास्ट दोनों ही काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप एक बार ज़रूर से पहले डिसाइड कर ले कि आपको कौन सी बाइक जो है वो लेना है। दोनों का टेस्ट राइड भी आप ले सकते हैं, प्राइसिंग में 10,000 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस है। तो यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। होप करता हूँ फ्रेंड्स आपके जितने भी डाउट्स होगी वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।